आप देख रहे हैं रफ्तार चैनल सबसे आग। सहायक पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद के निर्देशन में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु लगाए जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निदेशक ओम प्रकाश सिंह टीम द्वारा 18 मार्च को अभियुक्त चंद्रकरण पुत्र राम प्रसाद रेशम शर्मा पुत्र सुरेश चंद शर्मा की चोरी किए पेट्रोल नायलन एम ई सी एम बोयोडी किया गया है। दिनांक 17 मार्च को ग्वालियर राजेश सिंगल ने मुरादनगर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। एक फैक्ट्री है, उसका नाम है न्यूपोल फिल्ट्रेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जो मेरे रोड मुरादनगर में थी। होली को ये फैक्ट्री बंद थी। फैक्ट्री जब बंद थी तो इन्होंने 16 तारीख को जो फैक्ट्री को देखा, सामान चेक किया, तो उसमें इनके जो ये थे रोल गायब थे, जो रोल बरामद हुए जो रोल गायब थे। तो इन्होंने पूछताछ की अपने कर्मचारियों से और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई 17 मार्च को अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई। तो उसमें इन्होंने शक जाहिर किया कि यहाँ अपने कर्मचारियों पर ही शक जाहिर किया। तब वहाँ की जब पुलिस, यहाँ मुरादनगर पुलिस ने CCTV खंगाले, तो उसमें चंद्रकिरण है जो यहाँ पे पीओन का काम करता था, वो माल ले जाता हुआ दिखाई दिया। जब चंद्रकिरण से हमको पकड़ा और उससे पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया अपना अपराध। उसने बताया कि मैंने इंद्रापुरम में जो रहते हैं शिवम, उसको वो माल बेचा। तो हमने चंद्रकिरण से पूछताछ की, भाई ये माल क्यों उसने इस तरह से चोरी की? तो उसने बताया कि साहब मेरा कोई मकान बन रहा है मेरठ में, तो उसके लिए मुझे पैसे, हाँ बिजनौर में मकान बन रहा है, तो उसमें पैसे की ज़रूरत थी, तो उसके लिए मुझे लालच आ गया और मैंने इस तरह का काम किया। और ये माल की जो कीमत है करीब 5 लाख रुपये है, और इसने इसको माल को 1 लाख रुपये में शिवम को बेचा है। शुभम कौन है इसमें? शिवम ये है। शुभम अलग अलग है, शुभम लिख रखा ना। इनके अलावा सर इन पर कोई आपराधिक इतिहास है? पहला आपराधिक इतिहास तो ऐसा कुछ नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि 12 साल से काम करता था चंद्रकिरण है, जो ये फैक्ट्री में 12 साल से कर्मचारी था। और ये जो ये रोल का यूज होता है, ये लिक्विड जो मेडिसिन होती है उसको फिल्टर करने में यूज होता है, ये रोल बनता है। चोरी के वक्त इसने जो है CCTV का जो तार पहले निकाल दिया था? नहीं, और भी CCTV कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा, बाहर लगे